हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स का वेक्टर चैप्टर जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उसका डीपीपी नंबर 5 मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है, जो कि बेस्ड है आपका लेक्चर 10, 11 और 12 पर। लेक्चर 10 और 11 है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और लेक्चर 12 जो मैंने अभी आप लोग के लिए अपलोड नहीं किया है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। रात में मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो जब आप सुबह उठोगे आपको लेक्चर वो मिला हुआ रहेगा। तो इन तीनों लेक्चर्स पर बेस्ड है डीपीपी 5, तो उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, physicslinks.com जो वेबसाइट है, जो physicslinks.com, उस पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर देखोगे जो भी चैप्टर्स है वेक्टर्स के अंदर। यहाँ पर मोशन ने प्लेन पर क्लिक करेंगे तो लेक्चर 10 हो गया वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पार्ट 1, और लेक्चर 11 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पार्ट 2। यहाँ पर डाउनलोड डीपीपी 5, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डीपीपी 5 जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें भी पूरा डिटेल्स लिखा हो, तो आप इसको ट्राई करिएगा। हर जो फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का है, चाहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हो, सब छोटा छोटा जितने भी वेरिएशंस थे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे तरीके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिक्स का एप्लीकेशन हो, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, सब चीज पर बेस्ड जो है मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन इसमें दे दिया है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन चाहे बोर्ड्स में आए, नीट में आए, चाहे जेई में आए, वो छूटेगा नहीं। ए टू जेड सारे डीपीपी इसमें कवर्ड है। थैंक यू।